अकोला 24 न्यूज में मैं नेहा शेख आपका स्वागत करती हूँ। अमन व शांति के साथ मनाई गई ईद मिलादुन नबी। अकोला में हर साल बड़े उत्साह के साथ जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है, किंतु विगत दो सालों से कोरोना महामारी के कारण जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होने के कारण नागरिक अपने परिसरों में ही छोटे खाने कार्यक्रम आयोजित करके विलादत नबी मना रहे हैं। इस साल भी कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब द्वारा जुलूस रद्द कर दिया गया था। हालांकि प्रशासन द्वारा 5 ट्रक एवं प्रत्येक ट्रकों में 5 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई थी, किंतु कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए भीड़ इकट्ठा होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए मुफ्ती बरार अब्दुल रशीद साहब एवं जुलूस कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा मीटिंग का आयोजन कर जुलूस रद्द करने का फैसला लिया गया था। वह अपने परिसरों में सादगी के साथ जुलूस मनाने की अपील की गई थी। हिंदुस्तान में कोरोना काल के देखते हुए मुफ्ती आजम बरार मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब ने जो फैसला लिया है कि हम इस साल जुलूस नहीं मनाएंगे और अपने अपने मोहल्लों में लेकर अपने अपने घरों के अंदर अपने अपने मस्जिदों के अंदर हम मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाएंगे। इसी तरह से हमने मुफ्ती आजम बरार के हुक्म के मुताबिक पूरे नायगांव परिसर में अपने ही इलाकों के अंदर ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया और बड़े सादगी के साथ मनाया गया और हर मोहल्ले में हर मस्जिद में ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कोरोना काल से मुक्ति के लिए पूरे देश के वासियों के लिए अमन शांति का पैगाम दिया गया। और हम दुआ करते हैं कि हमारे इस मुल्क से बहुत जल्द ये मौसी जो बीमारी है कोरोना काल, ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और पूरे देशवासियों को अमन सुकून नसीब हो जाए। इसी के चलते अकोला शहर के विभिन्न परिसरों में नागरिकों द्वारा तबर्रुक के रूप में बिस्किट, नान खटाई, पोहा, शरबत, खीर, चॉकलेट व भोजन वितरण किया गया था, जिसका नागरिकों ने बड़े उत्साह के साथ लुत्फ उठाया। इस वक्त नागरिकों में उत्साह देखने को मिला। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी ने नए कपड़ों को परिधान करके नबी की आमद की खुशियाँ मनाई। इस वक्त मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब ने बताया कि हमें प्रशासन द्वारा जुलूस निकालने की अनुमति दी गई थी, किंतु हमने कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जुलूस कमेटी एवं सभी संगठनों की उपस्थिति में निर्णय लेकर उसे रद्द कर दिया। वह प्रशासन से यह मांग रखी कि हमें परिसरों में छोटे खाने कार्यक्रमों की अनुमति दी जाए, जिस पर प्रशासन द्वारा अनुमति दी गई, ऐसा मुफ्ती साहब ने बताया। आखिर में देर शाम दुआ की गई व मुल्क में अमन व शांति कायम रहने हेतु दुआएं मांगी गई। क्योंकि एसपी साहब से हमारी मुलाकात हुई, एसडीपीओ से मुलाकात हुई, रामदास पेट के थानेदार साहब से मुलाकात हुई, सिटी कोतवाली पर जो साहब रहते हैं उनसे मुलाकात हुई, ये सब लोग मुझसे मिलने के लिए आए और उन्होंने मुझसे सवाल किया कि इस साल आप किस तरीके से जुलूस का इंतज़ाम करेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि आज से कुछ दिन पहले हमने मरकज़ी जमात अहले सुन्नत की मीटिंग, रज़ा एकेडमी और उसके साथ साथ सुन्नी दारुल क़ज़ा बैतुलमाल और सुन्नी रजवीर वेलफेयर कमेटी की तरफ से मीटिंग ली गई थी। उसमें मैंने ये वजाहत कर दी थी कि जिस तरीके से हमने पिछले साल प्रशासन का ख्याल रखा, इस साल भी हम प्रशासन का ख्याल रखते हुए इस साल जुलूस नहीं निकालेंगे और हम अमन सलामती का सबूत देंगे। इसी वजह से हमने इस साल भी जुलूस कैंसिल किया और ये जुलूस हमारा आज तो इस साल तो नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद है इंशाअल्लाह तबारक व तआला के आने वाले साल में अल्लाह ताला ने हम सबको ज़िंदगी अता फरमाई तो हम आइंदा साल ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालेंगे। एसपी साहब ने या पुलिस डिपार्टमेंट ने जो हमको परमिशन दिया था, वो 5 ट्रक का परमिशन दिया था, हमने उसका लिहाज करते हुए उसको मुलतवी किया और ये तय कर लिया कि ठीक है आपने परमिशन तो दे दिया, लेकिन हमारे मोहल्लों में जो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, जैसे मिलाद शरीफ पढ़ा जाता है, झंडियाँ लगाई जाती है, मोहल्लों के अंदर चलत फिरत रहती है, इसके ऊपर आप पाबंदी न लगाए, तो पुलिस डिपार्टमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया और ये कहा कि आप अपने अपने मोहल्लों में अपनी ईद मना सकते हैं। ये बहुत बड़ा उनका शुक्रिया हम अदा करते हैं। मरकज़ी जमात अहले सुन्नत उनका ये
शुक्रिया अदा करती है। रज़ा एकेडमी, सुन्नी दारुल क़ज़ा, सुन्नी वेलफेयर कमेटी जो है, उन सब पुलिस डिपार्टमेंट का आज भी शुक्रिया करेगी, और जैसे जैसे वो हमारे साथ सलूक करते रहेंगे तो हम उनको इज्जत और आबरू देते रहेंगे। बहुत बढ़िया। यहाँ पे जो भी चलता मुफ्ती बरार अब्दुल रशीद साहब के बोलने से चलता, और आज तक ये 54वां साल था, इसलिए तमाम मुसलमान भाइयों ने अपने अपने महलों के अंदर जैसा हजरत ने बताए उसी मुताबिक ये काम किया, और हम डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं।